बैक गाइस, वेलकम वेलकम बैक अनदर न्यू ब्लॉग। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, जिन्होंने लास्ट ब्लॉग देखा उनका तो बहुत ज्यादा शुक्रिया। बाकी आज है रमजान का पहला जुमा, मेरी तरफ से सबसे पहले आप सबको जुमा मुबारक। बाकी मैं सुबह सुबह उठा था, अभी रात को पड़ी फाइनल, तकरीबन 8:30 हो रहे हैं। मैं सुबह सुबह उठा था, मैं कहा यार इसका केज क्योंकि डेली इसको साफ करूँ तो फायदा है, बिकॉज डिफरेंट बीमारी से ये बच जाएगा। वरना इसको मतलब लगा लेंगे, जितना आप अपने जानवर को किसी गंदी जगह पर रखेंगे उतना आपको नुकसान होगा। बाकी मैं आज जुम्मे के दिन वाश करने लगा, क्योंकि वीक वीक पर मैं इसको वाश कर देता हूँ। अभी वो देखे ना नीचे इसका वाशरूम, अगर केज में वाशरूम करता है, वैसे तो बगैर बगैर करता नहीं है, अगर वरना करता है तो फिर वो थोड़ा सा गंद डाल जाता है, जिसकी वजह से मैंने ना अंदर वो टाली हुई है, वो काक टाइप टाली हुई है। तो बाकी अभी चलते हैं, साफ कर रहा हूँ, इसे साफ करने लगा हूँ। इसके बाद ये बैठे, ये नवाब, इसको मैं रोक दी, मतलब तू बैठ, इसे भी आज नहलाना है क्योंकि आज धूप बड़ी मजे की निकली। इसको नहलाऊंगा थोड़ा गर्म, नीम गर्म पानी करके नहला के इसे साफ करना है इंशाल्लाह। ओके, चलते हैं, ये साफ करता हूँ, साथ आपको दिखाता हूँ। वेलकम बैक गाइस। अच्छा यार, अभी शाम को टाइम, अभी रोज़ा खुलने में सिर्फ थोड़ी सी देर है, तो शाम को आपका भैया है इनके पास, प्यास लगी पानी डालता हूँ मैं। तो बाकी जुमे का दिन था, जुमे के बाद मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था, तो इन्हें ही देखने आया था। गंद अच्छा खासा डला हुआ है, बाकी ये भी देख लें, अंडा उंडा कर दिया इन्होंने, नहीं अंडा भी नहीं दिया, ये सारा गंदा हो गया। इसे कल क्लियर, कल नहीं संडे को, संडे को इसको क्लियर करूंगा, क्योंकि क्या नाम कहते हैं इसे, संडे को ऑफ होगा मेरा, छुट्टियां सारी होगी। बाकी इंशाल्लाह आपको बताया था कि यार क्या नाम कहते हैं उसे आज इंक्यूबेटर लेके आना है, क्योंकि उसके बेबीज निकालने, मैंने मतलब जो जो बच्चे, क्योंकि वो एक्सपीरियंस किया है इसका पट्टी, मतलब जब बैठती है मुर्गी तो उसका फ़ायदा नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह अभी जाके मैंने तारी के पास, बंदे ने टाइम दिया है, मैंने पैसे पहले दे दिए थे तो उसके बाद टाइम दिया था, तो इंक्यूबेटर लेके आता है। आपको भी दिखाता हूँ कैसे वो मैनेज होता है, क्या कॉस्टली, कितना कॉस्ट में पड़ा है, उसके बाद कैसे इसे यूज़ करते हैं, इंशाल्लाह सारा कुछ मैं बताऊँगा। अभी तो मैं जा रहा था, सबको बंद करके ना उधर जा रहा था घर, क्योंकि छोटा आज नहीं है, बाकी इन सबको बंद करें हम। मगर वैसे तो मगरिब है, मगरिब टाइम तो चले जाते हैं खुद ही अंदर। हाँ, 10 बजे कितने वोट पे आए? नहीं, क्या टेम्परेचर है? अच्छा, टेम्परेचर कितने काम करना था? ठीक हो गया अंकल, बल्ब लग गए थे, फैन ठीक हो गया, एक ला दी है, अच्छा वाटर प्रूफ होती है, तू फैन लाना हीट मेंटेन करने अंदर ते पानी इतने फैन कर देता है, अच्छा सिर्फ पानी का बटन रखना, तुसी ठीक हो गया, जब पानी ना डक ट्रेल लगे ना ठीक हो गया। ते आ किस चीज दी टेम्परेचर है? अच्छा ठीक हो, ऐसे रहनी है, ठीक हो गया, नहीं दसना था टेम्परेचर कितना, ठीक हो गया। ते वो वाइट लाइट ले, वो दे दे शुरू होगा, ठीक है, ठीक हो गया, इधरों बदना शुरू हो जाएगा, ठीक हो गया। और जो स्मार्ट घड़ी नहीं होती वर्गा, बिल्कुल वही चीज़ है, ठीक हो गया, ठीक है, सैट कर जो टेंपरेचर तो हाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली, हम 37 ना, हाँ जी 37 जाके बंद हो जाना, ठीक हो गया। मैं कहता यार आपका भैया भी गाँव आ चुका था, बाकी वहाँ पर आपको मैंने प्रॉपर वीडियो दिखा दी थी और आपको पता चल जाए कैसे यूज होता है। बाकी इंशाल्लाह इसे सुबह सेट करते हैं, सामने पड़ा है, मैंने इधर ड्राइंग रूम में रख दिया, ये टेम्परेचर भी लग गया था, ये वाटर कूल भी लग गया था, ये वाला, ये अंदर से आपको दिखा देता हूँ, ये अंदर सेटअप है, ये फैन लगा हुआ है, ये चीज़ें जा रही है, ये पट्टियाँ हैं, फिर आपको प्रॉपर रख के बताऊँगा कैसे यूज़ करते हैं। फिर ये मैन, ये ना मैनुअल एक किस्म का है, ठीक हो गया, मैं ऑटो नहीं लगा था, नहीं मतलब मैनुअल लेते हैं, ऑटो में वैसे बजट से बाहर था, लेकिन मैनुअल का मैं कहता हूँ करते हैं,
क्योंकि मैनुअल में 2 से 3 दफ़ा अंडर रोटेट करने होते हैं, ऑटो में खुद ही हो जाते हैं। बाकी इंशाल्लाह आप वीडियो लाइक से पहले लाजमी लाइक और सब्सक्राइब करके यार लाजमी जाया करो, व्यूज़ क्यों कम दे रहे हो यार मुझे आप लोग, खुदा का वास्ता यार व्यूज़ दे दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो, जो देखते हैं वो कम से कम लाइक तो कर दिया करें, रिक्वेस्ट ही है आपके भाई की। बाकी मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई है इंशाल्लाह, बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़, का ख्याल रखिएगा अपना।